आज का व्लॉग करते हैं शुरू, रेसिपी कढ़ी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू, रेसिपी कढ़ी। दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बनाते हैं हम कढ़ी। आज मैं अकेला हूँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करूँगा और ये ऐसा ऐसा आपको बताऊँगा। ये सब काटने वाला मेरा पड़ा हुआ है, ये देखें, थोड़ा थोड़ा काम खुद करूँगा। ये आज की रेसिपी है कढ़ी। देखिए मैंने ऑयल डाल ली है, तो अभी मैं डालता हूँ इसमें प्याज, तब तक ये ऑयल भी गर्म हो जाएगा। इसमें भी मैं प्याज डालूँगा। मैंने प्याज काट के डाल ली है, तो तब तक मैं वेट करता हूँ इसका, जब गेल अंडे की जर्दी की तरह लाल ना हो जाए। लाल होने तक इसका वेट करते हैं। देखिए हमारा प्याज जो है ना ब्राउन होना शुरू हो गया, तो अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें दोस्त, अब इसको 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे, 3 से 4 मिनट। बेसन मैंने घोल के रखा हुआ है, तो इसके ढीले नहीं बनने चाहिए। जो बन जाता है ना वैसे कुटियाँ कुटियाँ जैसे बन जाती है, वैसा नहीं बनना, ऐसा होना चाहिए प्लेन, फिर बड़ी ज़बरदस्त कढ़ी बनती है। ये देखें, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए इसको। ये मैंने मसाले निकाल कर रख लिए सारे, ये देखें हमारा जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट भी जो है ना वो ब्राउन हो गया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और टमाटर। देखें मैंने अदरक लहसुन और उसके बाद ये हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए। अभी हम इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट, और उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड कर देंगे ये सारे। ये जो मसाले मैंने निकाल के रखे हैं ना, ये लाल मिर्च है, ये पीसी हुई काली मिर्च है, ये नमक है, ये हल्दी है, और ये सूखा धनिया है, और ये दादरी की हुई मिर्च है। अब हम इसमें ये डाल लेंगे सारे मसाले। ये सारे मसाले ऐड कर दिए हमने। अब इसमें ना तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट भूनना है, जब तक ये सारा ऑयल ना छोड़ दे और मसाला ना भून। जब तक ये मसाला भुनेगा नहीं तब तक ये और हांडी का जायका भी नहीं आता, ठीक है। तो इसको ये करना नाजरीन के इसको अच्छे और बेहतरीन से पकाना अच्छी तरह। अगर ये पक जाए सही तो फिर हांडी सही पकती है, अगर ये ही ना सही बने तो फिर हांडी नहीं सही बनती। टाइम देना मसाले को, टाइम। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, 3 मिनट हो गया मुझे भूनते हैं, पूरे 3 मिनट। तो अभी 12 मिनट बाकी, मैं 15 मिनट भूनता वैसे मसाले को। ये देखें बनना शुरू हो गया, अभी इसकी शुरुआत है बनने की। नाजरीन ये देखें ऑयल जो है ना वो मसाला छोड़ना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया। मुझे 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और लगाऊंगा अभी, उसके बाद फिर हम अगला जो लाया मतलब वो तय करेंगे। देखें दोस्तों हमारा मसाला जो कि बन चुका है, ये देखें बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी मैं 2 मिनट और भूनूंगा, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे इसका जो कढ़ी का सिलसिला भी शुरू करना है। ये देखें हमारा दोस्तों मसाला रेडी हो गया, अब हम इसमें डालेंगे ये कढ़ी। इसमें मैंने डाला था बेसन, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसन को मैंने डाल के पानी में हिला के इसके ना जो साथ में गले पे होते हैं ना वो नहीं बनने चाहिए, तो वो मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है बेसन पानी में मिला के ना। तो अभी इसमें डालेंगे हम, तो चलें दोस्तों इसमें ऐड करते हैं बेसन।
भी मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था बेसन को, कि इसके चिपड़ियाँ नहीं बने, जम ना जाए, जैसे जिसको बोलते हैं कि गोल गलत हो गया, ये बह गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी इसका असल काम अभी शुरू हो गया। अभी इसको जो है ना ऐसे हिलाते रहना, ऐसे रुकना नहीं चाहिए बस। अगर आपने छोड़ दिया या कुछ कर दिया तो फिर ये बैठ जाएगी, नीचे लग जाएगी, फिर बनेगी नहीं, फिर तो बनेगी क्या, ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, मैंने आपको बोला था ना कि मैंने ज़्यादा बनानी है, तो इसलिए मैंने ये भर दिया सारा। अभी इसको पकाते जाना और हिलाते जाना, पकाते जाना और हिलाते जाना, इसको छोड़ना नहीं है। इसका असल काम यही है, ये इसका असल काम है। ये आपने छोड़ा नहीं, ये थले, ये जो नीचे है ना, जो बैठ जाएगी, फिर बैठ जाएगी, फिर लग जाएगी, उसी टाइम ख़त्म इसका किस्सा कहानी। असल काम इसका यही है। तो इसको पकाना है, इतना पकाना है कि ये देखिए अभी पानी लग रहा है ना, जब ये बनेगी ना, जब इसको उबालना शुरू होगा, फिर ये इतनी गाढ़ी और संघनी होती जाएगी ना, बनती जाएगी, और इतना जायका, जितनी ये आप इसको पतला रखेंगे और उसके बाद इसको पानी ऐड करेंगे ना, जब ये ज़्यादा थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको पकाना ज़्यादा पड़ेगा। जब आप ज़्यादा पकाएंगे तो फिर बेसन भी पक जाएगा, वो कच्चा नहीं रहता इसमें। ये देखिए, इसको रुकना नहीं चाहिए अभी। नाजरीन देखें, इसको ना छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना, असल इसका काम यही है। अगर ये आपने हिलाना छोड़ दिया तो नीचे ये लग गई, तो ये तो उसी टाइम बैठ जाएगी, बैठ के तो फिर गई, फिर सारा खर्चा किया ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये ऐसे ही करना है, इसको हिलाते ही रहना, इसको जब तक इसको बाला ना आए तब तक हिलाते ही रहना, इसको हिलाते ही जाना। साथ साथ ये पकौड़ों का भी मटेरियल तैयार हो रहा है, इसके बाद पकौड़ों के भी हम बताएँगे पकौड़ों का क्या करना क्या नहीं है। देखें, तब तक इसको हिलाते रहना जब तक इसको ना उबालना उबलना शुरू हो जाए। जब उबलना शुरू हो जाएगी तो फिर इसको ना आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से छोड़ना है, यकदम नहीं छोड़ना, फिर इसको हिलाते फिर भी रहना है, वो आपको मैं बताता चलूँगा। हिलाते फिर भी, ये देखिए कितनी गाढ़ी होती जा रही है, अभी ये उबलने वाली है। ये देखें दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता उबलना शुरू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उबलने पे आ रही है। तो इसको ना मेरे ख्याल से ये बाहर को उबलना शुरू होगी, तो भरा हुआ बर्तन, तो फिर तो ये पतीला जो है देख जा भरा हुआ, तो ये इसकी हल्की आँच करनी पड़ेगी। अब देखें उबल रही है आहिस्ता आहिस्ता। देखें दोस्तों, अभी तक पक रही है, ये देखें उबाला आ गया हुआ इसको। हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, अब हम पकौड़ों की तरफ जाएंगे। अभी पकौड़े बनाते हैं, कढ़ी तैयार हो गई है, सिर्फ ओनली कढ़ी, तो उसके बाद फिर हम बनाते हैं पकौड़े। ये देखें दोस्तों, अभी हम पकौड़ों का सिलसिला शुरू करने लगे हैं। तो कढ़ी हमारी जो है ना, ये पालक है, वो मैंने नीचे धनिया डाला, तो सबसे पहले आलू काटे थे, तो ये अभी बनाते हैं। ये देखिए, मैंने ना ये बना लिया है, बेसन तैयार कर ली है, पीठी पकौड़ों की। ये भी किसी दिन बताएगा आपको ना, ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ मैं। तो फ़िलहाल ये है, मैंने बना लिया है, तो अभी हम कढ़ी हमारी तैयार है, तो अब हम पकौड़े निकालते हैं और कढ़ी में डालते हैं। अब पकौड़ों की तरफ चलते हैं। ये मैंने परागा डाला हुआ पकौड़ों का, अभी चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं कहते हैं कैसा है। तो लग तो खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है मुझे, देखते हैं अभी। ये पहला परागा डालूँगा मैं इसमें कढ़ी में। ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की रेसिपी। टाइम तो बहुत लगा, 5 घंटे लग गए मुझे बनाने में, तो माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप भी बनाएं और ऐसे बनाएं जैसे मैंने बताया, तो माशाल्लाह मज़ेदार बनेगी और मज़े की बनेगी। ये मेरा बेटा पीछे मुझे जूतियां मार रहा है, चलें देखें।